आप देख रहे हैं वेद संसार। और दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने वीर अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया था। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, यह सत्य है कि व्यक्ति के कर्मों पर किसी का विवश नहीं होता है। जरूरत यह है कि व्यक्ति को केवल सही या गलत मार्गदर्शन दिया जाए। यही नहीं, उसे अपने जीवन मार्गों के विकल्प दिए जा सकते हैं। और सत्य यह है, ईश्वर भी कभी किसी प्राणी के कर्मों और उनकी नियमित में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। बहुत से लोगों के लिए अभिमन्यु किसी प्रेरणा के स्रोत से कम नहीं है। इस योद्धा ने अकेले पूरे दिन उस महान योद्धाओं को रोक कर रखा था, जो अकेले कई सेनाओं के बराबर थे। कई लोगों के मन में आज भी यह सवाल उठता है कि अभिमन्यु जैसा वीर अगर उस दिन वीरगति को प्राप्त ना हुआ होता, अगर भगवान श्री कृष्ण उसे बचा लेते। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु अवतार लेते हैं और उनकी सहायता के लिए दूसरे देवगण भी विभिन्न स्थानों पर जन्म लेते हैं। वहीं द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया, तब ब्रह्मा के आदेश से देवताओं ने भी जन्म लिया, ताकि धर्म स्थापना में श्री कृष्ण को सहायक हो सके। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं क्या है अभिमन्यु की जन्म गाथा। बता दें कि अभिमन्यु के रूप में चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने जन्म लिया था। वर्चा को भेजते समय चंद्रमा ने देवताओं से यह साफ कहा था कि मैं अपने प्राण से भी प्यारे पुत्र को नहीं भेजना चाहता हूँ, फिर भी इस काम से पीछे हटना उचित नहीं होगा। बस इसलिए वर्चा मनुष्य बनेगा तो सही, परंतु वहाँ अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। इंद्र के अंश नरावतार होगा तो श्री कृष्ण से मित्रता करेगा। यही नहीं, मेरा पुत्र अर्जुन का ही पुत्र होगा। नर नारायण की अनुपस्थिति में मेरा पुत्र चक्रव्यूह का भेदन करेगा और साथ ही घमासान युद्ध करके बड़े बड़े महारथियों को चकित कर देगा, और फिर दिन भर युद्ध करने के बाद सायंकाल में मुझसे आ मिलेगा। बस इसी कारण अभिमन्यु दिन भर युद्ध करने के उपरांत कौरवों के हाथों चक्रव्यूह के भीतर ही मारे गए। जान ले, बस इसी कारण की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की नियति में हस्तक्षेप नहीं किया था। तो सारे भक्तजन मिलकर कहें जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अभिमन्यु एक वीर योद्धा थे या नहीं? अपना विचार हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।